वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप YouTube चैनल देख रहे हैं विनिंग विद बुराक। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन 47.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बाकी आप खुद कर सकते हैं, आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 मैं करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद 47.3 की तरफ आगे जाते हैं। लेकिन बीच में एक बात बताऊँ कि आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके ये वीडियो को डाउनलोड मत करें। पहले आप देखे, फुल वॉच करें, लास्ट तक देखे, इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको कोई मतलब वो नहीं है, जोर नहीं है या प्रेशर नहीं है कि आप डाउनलोड मत करें, क्योंकि अब देखिए, अब जब आप डाउनलोड करोगे तो हमें वॉच टाइम नहीं मिलेगा। फुल वॉच टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि डाउनलोड करते तो फिर वो वॉच टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो इसी वजह से मेहरबानी करके पहले उसको फुल वॉच करें, फिर इसके बाद आप जाहिर सी बात है डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स डी वाई इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस जेड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो एक आपको या तो एक्स या तो वाई वाला, ठीक है, क्योंकि ये एक्स हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ये जो एक्स वाला टर्म है ना, ये हम बाहर लिखते और डी एक बाहर लिखते, और जो दूसरा डी है वो जेड के साथ लिखते हैं, और जो डी वाई है वो अपनी अपनी जगह। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के लिए करते हैं। ठीक है, जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये डी एक उधर शिफ्ट करके फिर बाद की स्टेप में आएंगे। ठीक है, अच्छा, डी बाई डी एक्स, अब डी जेड बाई डी वाई टू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। ठीक है, अब डी एक्स हम उधर शिफ्ट करके तो यहाँ आएगा, डी इंटू डी जेड डिवाइड बाई डी वाई। अच्छा, इंटीग्रेशन विद इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेट डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे डी एक्स आएगा और टू इंटू यहाँ पे भी डी एक्स आएगा क्योंकि ये टू है, ठीक है, जेड नहीं है। अच्छा, टू इंटू डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स आएगा और उस पर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, फिर इसके बाद जो कुछ आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। डी जेड बाई डी वाई यहाँ पे कट जाएगा ये, और इंटीग्रेशन डी जेड बाई डी वाई आएगा, वाई वाई बाय लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि वन ओवर एक्स अंदर लिख लेंगे और वाई बाय, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई क्यों बाय लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्योंकि पार्शल डिफरेंशियल है। अच्छा, प्लस टू और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स। ठीक है, प्लस एफ वन वाई क्या से आपको बताया कि जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो कांस्टेंट वाई रह जाएगा, और इंटीग्रेशन जब लेते हैं प्लस सी हम लिख देते हैं ना, तो जो वो प्लस सी आपके साथ एफ वन वाई हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाई, आप मतलब इज अ कॉन्स्टेंट आपने यूज़ किया। ठीक है, डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू वाई इंटू वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एलिन ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस टू एक्स अपनी जगह पे, प्लस एफ वन वाई अपनी जगह पे, इसका इंटीग्रेशन फिर लेंगे, वाई उधर शिफ्ट करके तीनों के साथ लिख ले, वाई इंटू एन ऑफ एक्स डी वाई प्लस टू एक्स डी वाई। ठीक है, प्लस एफ वन वाई डी वाई। ठीक है, तीनों के साथ डी वाई लिख ले, फिर इंटीग्रेशन ले ले। इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो डी और इंटीग्रेशन कट जाएगा क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है, और जेड इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स वाई डी वाई। ठीक है, अच्छा, एल एन ऑफ एक्स क्यों बाय लिख लें, क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लेते हैं, और जब वाई लेते हैं तो एक्स का टर्म जो है ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्लस टू एक्स बाय लिखने डी वाई अंदर जा जाएगा, प्लस एफ वन वाई डी वाई। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन जब लोगे तो वाई स्क्वायर बाई टू एल एन ऑफ एक्स अपनी जगह पे, प्लस टू एक्स इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या है, वाई प्लस एफ वन वाई, एफ वाई यहाँ पे आया। ठीक है, एफ वाई सॉरी यहाँ पे आया, और एफ टू वाई क्योंकि इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, एक्सरसाइज 47.3 की कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है। एक्सरसाइज 47.3 में क्या है कि आप लोगों को इस तरह इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, इस तरह इक्वेशन दिया होगा, पी इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी जेड बाई वाई डी वाई इक्वल टू आर। ठीक है, अच्छा, इसका आपने एक्जिलरी इक्वेशन बनाया है। एक्जिलरी इक्वेशन क्या होता है, एक्जिलरी इक्वेशन जो है ना वो जनरल इक्वेशन होता है, तो उसको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब आप जब सोल्यूशन बनाते हो तो इसी क्वेश्चन से आप सोल्यूशन सॉल्व करोगे।
तो आपने पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन आप इसी मेथड पे जो 47.3 में बयान किया गया है वो उसमें जो ऑक्सिलरी फंक्शन आप इक्वेशन आपने बनाना है उसी से सॉल्यूशन भी आएगा, ठीक है। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह बनाया, डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। आप पी क्या है, आर क्या है, क्यू क्या है, ये बताऊंगा। सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन सी वन, मतलब जब आप सोल्यूशन लिखते हैं जनरल सोल्यूशन, तो इफ यू वन यू सी यू वी ठीक है इक्वल टू जीरो। अच्छा यू क्या है, वी क्या है, क्वेश्चन में बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 आप करें, पेज नंबर 1268, ये सर ने किया है। किसी को इसकी ज़रूरत है, मतलब किसी को चाहिए, तो वो मुझे व्हाट्सएप करके मैं उसको सेंड करूंगा। 6 और 7 बी है, वो भी सर ने किए। एक्सरसाइज 47.3 की तरफ आते हैं, तो वो किस तरह, अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरह दिया है। पी टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस क्यू टेंजेंट ऑफ वाई इक्वल टू टेंजेंट ऑफ जेड, ये फ्री इक्वेशन इसी तरह था ना। अच्छा इस तरह पी इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू आर, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी से मैच करके आप पी अपनी जगह पे, टेंजेंट एक्स का क्या मतलब डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस क्यू अपनी जगह पे, डी जेड बाई डी वाई का क्या मतलब, इसी से कंपेयर करें, इस इक्वेशन से कंपेयर करें, इसका ये मतलब टेंजेंट वाई, ठीक है। अब आर का क्या मतलब, यहाँ पे आर था ना, तो ये आर टेंजेंट जेड, ठीक है। तीनों लिख के पी का टेंजेंट एक्स कंपेयर करें, क्यों का टेंजेंट वाई, आर का टेंजेंट जेड। अच्छा ऑक्सिलरी इक्वेशन आप उससे बनाए डी एक्स बाई पी, ठीक है, डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर, ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बताया। अब पी के पी पुट करें, क्यों पुट करें, आर पुट करें, टेंजेंट एक्स पी की वैल्यू पुट किया, टेंजेंट वाई क्यों की वैल्यू पुट किया, आर टेंजेंट जेड की वैल्यू पुट किया। अब पहले सोल्यूशन जब आप फाइंड करोगे मतलब यू, तो उसके लिए आप ये पहले दो इक्वेशन आपने लेना है, ये पहले दो टर्म आपने लिया है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दोनों को बराबर करके। फर्स्ट फ्रिक्शंस अपने लेना है डी एक्स बाय टेंजेंट एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी वाई बाय। अब उसी को सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को जब ख़त्म करते हैं तो अब पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी अप्लाई करें। अच्छा अब इंटीग्रेशन हमने अप्लाई किया, 1 ओवर टेंजेंट एक्स में इस तरह लिख सकता हूँ कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स, ये तो आप लोगों को पता होगा। अच्छा टेंजेंट वाई में इस तरह लिख सकता हूँ साइन वाई डिवाइड बाई कॉज वाई, ठीक है। अब इसके साथ डी वाई लिख ले, 1 ओवर 1 ओवर में लिख ले, ठीक है। अच्छा फिर इसी को जब हम मतलब ऊपर करते, ऊपर जब आप यहाँ पे कॉज एक्स आएगा और यहाँ पे नीचे साइन एक्स, यहाँ पे कॉज वाई और नीचे साइन वाई, या आसान सी बात है, आप लोग तो कर सकते हैं। अच्छा तब रिसिप्रोकल करना है, ठीक है, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स टू डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई डिवाइड बाय साइन वाई डी वाई, ऊपर जा गया, ये जो साइन पहले था ना अभी कॉस पहले, क्योंकि रिसिप्रोकल हो गया ना, इसी का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात बताऊँ कि कॉस एक्स का जो, अच्छा इस तरह है कि अब कॉस एक्स ऊपर फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन हम किस तरह लेंगे, 1 ओवर ln ऑफ फंक्शन लेंगे, ln ऑफ फंक्शन लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह लेंगे, नीचे फंक्शन है साइन एक्स, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉज है कॉज एक्स, तो इसी का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ln ऑफ फंक्शन की फॉर्म में लिख लिए, ऑफ फंक्शन क्या है साइन एक्स। किसी को ये स्टेप समझना हो तो फिर मुझे बताए, मैं उसको पर्सनली मैं उसको उसको जो है ना वो डिराइव भी करूंगा और साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। कॉस वाई डिवाइड बाई साइन वाई, अब साइन वाई का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या है कॉस वाई, अब कॉस वाई जब ऊपर है और नीचे फंक्शन है तो ln ऑफ साइन वाई के फॉर्म में लिख लिए, ln ऑफ फंक्शन प्लस सी वन कॉन्स्टेंट आया, ln ऑफ साइन एक्स इक्वल टू ln ऑफ साइन वाई प्लस सी, ठीक है। नाउ
ये इधर शिफ्ट, ये सॉरी, ये एलियन ऑफ साइन वाई, ये उधर शिफ्ट हो गया है माइनस साइन वाई, ठीक है। अच्छा, एलियन ऑफ, क्योंकि लॉगरिथमिक वो है, लॉ है, थर्ड लॉ क्या कहते हैं, सेकंड लॉ, तो सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है कि दो जब मल्टीप्लाई, दो जब माइनस हो गया आपस में लॉगरिथम के टर्म्स, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम है ये, तो वो फिर क्या हो गया, वो इसमें डिवाइड होंगे, तो ये डिवाइड हो गए, एक लॉगरिथम आपने यूज़ करना है, एलिन आपने एक यूज़ करना है, ठीक है, तो नाइन्थ के वो है कंसेप्ट है इक्वल टू एलिन ऑफ सी, इस पर भी आप एलिन अप्लाई करें बेशक। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, ए वन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी वन आया, अब सी वन को हम क्या कहते हैं, यू कहेंगे, ठीक है। नाउ टेक अदर टू फ्रैक्शन, आप इन दोनों से, तो इन दोनों से तो हमारे पास इक्वेशन आया, ठीक है, इन दोनों से तो आया ना, इन दोनों से, पहले दोनों, और फिर आप ये लेंगे, ठीक है, डी वाई बाई क्यू डी इक्वल टू डी जेड बाई जेड। अच्छा, क्यू की टर्म टेंजेंट वाई है, जेड की टर्म टेंजेंट एक्स है, इसी तरह ही कॉस वाई ऊपर लेंगे, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा जो पहले हमने कहा, साइन वाई नीचे, डी वाई इक्वल टू कॉस जेड डिवाइड बाई साइन, और डी जेड अपनी जगह पे, नाउ नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो एलियन ऑफ फंक्शन में इन द फॉर्म ऑफ लिखेंगे माइनस, ये इधर शिफ्ट हो भी गया है, कॉस एक्स नीचे फंक्शन है, उसका ऊपर उसका डेरिवेटिव है, एलियन ऑफ साइन एक्स एलियन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, दोनों को डिवाइड करें, एलियन एलियन कट जाएगा, एस पी बी एलियन, क्योंकि एलियन कैसे कट जाएगा, क्योंकि हम जब फंक्शन, जब कांस्टेंट पे लॉगरिथम अप्लाई करते हैं नेचुरल लॉगरिथम, तो वही कांस्टेंट आएगा कि नहीं, तो बस कांस्टेंट तो जनरल टर्म है, कुछ भी कांस्टेंट, कुछ भी, तो वी को जो आप एफ ऑफ यू वी उसका सोल्यूशन है, तो दोनों को लिख के और इक्वल टू जीरो कर ले, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दो, वाई माइनस जेड इंटू पी, अच्छा ये भी पी और एक्स की फॉर्म में दिए, ये क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूँगा, थैंक यू सो मच।